दोस्तों, जियो गीगा फाइबर और जियो गीगा टीवी को अभी अनाउंस किया गया था जियो की एनुअल जनरल मीटिंग में, और यहाँ पर बताया गया था कि इनके साथ में आपको एक 4K HD TV और 4K जो सेट टॉप बॉक्स है वो आपको फ्री दिया जा रहा है। तो आज के वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि कौन से प्लान के साथ में आपको ये सेट टॉप बॉक्स और टीवी फ्री मिलेगा और आपको कितना रुपए वहाँ पर पे करना पड़ेगा। सारी डिटेल आज के इस वीडियो में आपको दूंगा। और दोस्तों, अगर आप फ्री पेटीएम कैश अर्न करना चाहते हैं तो मैंने आपको फोरफोन ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप फोरफोन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट 50 रुपीज़ का पेटीएम कैश पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस जियो के नए ऑफर के बारे में, जिसके तहत आपको जो है एक 4K HD TV जो यहाँ पर फ्री दिया जा रहा है, साथ में एक सेट टॉप बॉक्स भी फ्री दिया जा रहा है। आप लोगों को पता है जियो ने अपना गीगा टीवी यहाँ पर अनाउंस किया है जियो गीगा फाइबर के साथ में, जो कि 5 सितंबर से आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो जियो गीगा फाइबर के प्लान होने वाले दोस्तों, उनके बारे में बताया गया था कि जो प्लान होंगे वो करीबन 700 रुपये से स्टार्ट होंगे और ये 10,000 रुपये तक जाएंगे। और एक यहाँ पर होने वाला है दोस्तों फॉर एवर प्लान, यानी कि ये प्लान जो है एक एनुअली प्लान होने वाला है जो कि आपको पूरे 1 साल के लिए मिलेगा। और इसकी जो कीमत होगी दोस्तों वो 700 रुपये के आसपास तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो ये काफ़ी हाई रेंज वाला जो है प्लान होने वाला है, करीबन 10,000 रुपये के आसपास शायद आपको मिलेगा। तो अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल ये 10,000 रुपये के आसपास ही होने वाला है। तो अगर आप ये प्लान लेते हैं तो आपको इस प्लान के साथ में जियो जो है एक 4K HD TV जो है यहाँ पर फ्री देगा और जो 4K सेट टॉप बॉक्स है वो फ्री देगा। तो एनुअली प्लान अगर आप कैलकुलेट करेंगे 10,000 रुपये वाला, तो आपको करीबन 1,20,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। अब आपको जो टीवी और सेट टॉप बॉक्स है वो फ्री मिलेगा, यानी कि पर मंथ आप 10,000 रुपये जो है जियो गीगा फाइबर के लिए पे करेंगे। तो 1,00,000 रुपये ज़्यादा आपके जो है इंटरनेट के लिए हो जाएंगे 1 साल के। तो ये कुछ प्लान यहाँ पर जियो के द्वारा शायद मेरे हिसाब से आने वाला है। लेकिन अगर इतनी ज़्यादा कीमत रखी जाती है वो भी इंटरनेट के लिए, तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताना कि जो फॉरएवर प्लान होने वाला है क्या उसकी कीमत 10,000 रुपये के आसपास जियो को रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जियो ने जो प्लान अनाउंस किए वो 700 से 10,000 रुपये तक जाते हैं। तो मेरे हिसाब से 10,000 रुपये में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो जाता है। वैसे आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आप लोग यहाँ पर अगर 10,000 रुपये के आसपास जो है पर मंथ आपको जो है पे करने पड़ेंगे फोर एवर प्लान के लिए, तो क्या वो प्लान आप लोग लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे एक 4K TV और 4K सेट टॉप बॉक्स के लिए। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से देना। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।